नमस्कार। तो आज आप हम मुथूट फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट फंडामेंटल नंबर चेक करेंगे और बाकी के डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो मुथूट फाइनेंस स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक की बात की जाए तो रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 928.60 पे क्लोजिंग दिया, मीन्स तकरीबन 929 के करीबन। तो फंडामेंटल नंबर चेक करेंगे, उसी के साथ चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे मुथूट फाइनेंस के। काफी दिनों बाद यहाँ पे स्टॉक के फाइनेंशियल चेक करेंगे। मार्केट कैप 37,000 करोड़ के ऊपर है, पी रेशियो अच्छा है स्टॉक का, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10.6 है, बुक वैल्यू जो है 479 का बुक वैल्यू है जो कि अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है 2% से ज्यादा स्टॉक, आरओसी 14% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो ये कंपनी 23% का है और फेस वैल्यू ₹10 का है। तो कंपनी 52 वीक लो के करीबन ट्रेडिंग करा जो कि अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए, जबकि डेप्ट जो है 46,000 करोड़ के ऊपर है, नेट प्रॉफिट जो है 3,531 करोड़, ईपीएस ₹88। रिटर्न की बात की जाए तो 30% डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ में 11% गिराव देखने को मिले, सेल्स ग्रोथ में 8% डाउन है, सेल्स 10,000 करोड़ के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट 3,029 करोड़ के है, फिर डेप्ट इक्विटी काफी हाई है 2.43 का है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है 73% की है जो कि बढ़िया बात है। तो देख सकते कि तकरीबन स्टॉक का चार्ट भी देखा जाए तो काफी गिरावट पिछले दिसंबर मंथ ऑफ दिसंबर से यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक के अंदर गिरावट नजर आई है। स्टॉक टेबल था अगस्त सितंबर अक्टूबर में, यहाँ पे स्टॉक स्टेबल था नवंबर तक, पर जैसे ही दिसंबर मंथ आया तो स्टॉक की में गिरावट नजर आई और रिसेंटली स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख सकते कि चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो मुथूट फाइनेंस के यहाँ पे बात की जाए तो स्टॉक और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे देख सकते 52 वीक लो बनाया स्टॉक ने 910 के करीबन, तो उस लेवल तक यहाँ पे गिरावट हो सकती है स्टॉक में और भी, क्योंकि देखा जाए पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक टोटली वीक और बेरिश नजर आ रहा है। अपडेट की भी बात की जाए कोई खास तो देख सकते कि इंडियन फर्म्स टैप सेल्डम यूज्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कोई खास अपडेट भी नजर नहीं है आ रहे हैं।